कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को जिला अस्पताल सहित 37 केंद्रों पर 5,868 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 4,345 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,523 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को 8,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार टीकाकरण ही है, इसलिए कोविड का टीका अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, यहाँ सही हो जाएगा। सर आज कितने केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है? आज 37 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल और 1 नगर निगम में स्टेट वेंडर्स के लिए चल रहा है। हमारी CSC पर जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन चल रहा है। इधर हम 8,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारा महाअभियान चालू करने के लिए शासन से अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही आदेश प्राप्त होते हैं हम लोग वहाँ वैक्सीनेशन अभियान चालू करेंगे। कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? अभी लक्ष्य नहीं बताया गया है। पहले 21 जून से 2 लक्ष्य 20,000 का बताया था, तो उसके सापेक्ष हम लोगों ने 32,000 के आसपास के पर डे का वैक्सीनेशन किया था। तो नया लक्ष्य जब शासन से बताया जाएगा उस तो उसके अनुसार हम लोग वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे।